यहाँ पे देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कंबाइन दिया गया है ना, ट्रिकी हो गया। हम लोग ने पहले वीडियो में एडिशन किया था, उसके बाद अब इस वीडियो में हमने सब्ट्रैक्शन किया है ना। आप लोगों को चिल्ड्रन ना, आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को साथ में दिया गया है सम्स, आपको पहचानना है वेदर इट इज़ एन एडिशन और वेदर इट इज़ अ सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको ध्यान, अगर कोई चीज़ को कंबाइन करके पूछा गया है, ज़्यादा करके पूछा गया है, मोर यानी टुगेदर जब वर्ड आता है, टुगेदर और टोटल ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो वी विल यूज़ द एडिशन। ओके, वी विल डू द एडिशन। नाउ अगर डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो वी विल यूज़ द सब्ट्रैक्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ओरली। हमें आपको ओरली सॉल्व करना है, वी डोंट हैव टू सॉल्व इट सॉल्व इन दिस नोटबुक। सो इफ मालती हैज 15 ब्लू एंड रेड 7 रेड बलून, हाउ मेनी बलून्स डज शी हैव ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर, सी देखिए टुगेदर आया तो वी विल डू द एडिशन। टुगेदर टोटल stands for addition, याद रखिए। together total sum it stands for addition, together total sum आया तो addition। how many more difference, ये सब words आएंगे question में, तो we will do the subtraction। it is very important to understand subtraction है कि addition है। children confused होके add करके sums को wrong कर देते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा क्वेश्चन में कि कौन सा वर्ड दिया है। इधर पूछा गया ऑल टुगेदर, व्हेन टुगेदर मींस यू हैव टू ऐड, टुगेदर करने के लिए हमको ऐड करना पड़ता है। तो 15 प्लस 7 सिंपल एडिशन है, तो 15 प्लस 7 वी कैन इजीली राइट इट इज 22। ओके चिल्ड्रन, 22 इज आवर आंसर। हाउ मेनी बलून्स डज दे शी हैव टुगेदर, ऑल टुगेदर 22। ओके, अजीत हैड सम सीड्स, सागर गेव हिम 25 मोर, कितना और दे दिया 25 मोर दिया, उसके पास कुछ है 25 मोर दे दिया। नाउ अजीत हैज 65 सीड्स, हाउ मेनी सीड्स डिड शी हैव बिफोर, यानी पहले उसके पास कितनी थी। देखिए पहले अजीत के पास कुछ सीट थी, बोला वो सीट का टोटल नंबर नहीं बताया गया है। सागर गेव हिम 25, सागर ने उसको 25 और दे दिया, यानी उसके पास पहले कुछ तो था, तो उसने 25 और ऐड कर दिया, अब उसके पास 65 हो गई। नाउ 65 सीट्स हो गई उसके बाद, अजीत के पास अभी 65 सीट है, तो पहले कितनी सीट थी। अब हमको इसके लिए डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सी क्वेश्चन को आप लोग समझिए, चलिए यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ये नहीं बोला है कि अजीत के पास इतनी सीट थी तो सागर ने उसको 25 दे दिया, तो टुगेदर कितनी सीट हुई, ऐसा नहीं पूछा है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, पहले कितनी सीट्स, तो पहले सीट्स फाइंड आउट करने के लिए हमको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 65 माइनस 25 करना पड़ेगा, सो द आंसर इज 65 माइनस 25 द आंसर इज 40 चिल्ड्रन। तो 40 सीट्स थी उसको उसके पास, तभी हम लोग को 25 मिली है, तो ये अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आप लोग को 65 मिल जाएगा। पहले कितनी थी 40 थी, सागर ने दिया 25, तो 40 प्लस 25 द आंसर इज 65। हम लोग आंसर करेक्ट है चिल्ड्रन, आप लोग क्रॉस करके चेक कर सकते हो। There are all together 80 roses and jasmine's flowers in a basket. कितने हैं all together? यानी टोटली कितने हैं रोज और जैस्मिन को मिला के 80 है। सी चिल्ड्रन 80 है, रोज और जैस्मिन को मिला के टोटली 80 है बास्केट में। 30 of them are roses. इसमें से 30 कितने हैं roses है, तो हाउ मेनी जैस्मिन फ्लावर्स आर देयर, हाउ मेनी आर देयर। नाउ वी हमको टुगेदर दिया हुआ है चिल्ड्रन, ध्यान रखिए टुगेदर दिया है तो ऑब्वियसली हमको सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। टुगेदर नहीं दिया होता है तो हमको एडिशन करना होता है, यहाँ पे टुगेदर दे दिया है तो हमको सब्ट्रैक्शन करना है। तो 80 माइनस क्या करेंगे हम 30, सी 80 माइनस 30, क्यों 80 माइनस 30, क्योंकि टोटली कितने फ्लावर है 80 और 30 उसमें से रोज है, तो जो बचे हुए होंगे वो जैस्मिन होंगे, दैट इज 50। ओके, तो 50 प्लस 30 करेंगे तो हमको 80 मिल जाएगा। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। 100 चिल्ड्रन टुक पार्ट इन अ ट्री प्लांटिंग ड्राइव, इफ 60 ऑफ देम वर गर्ल्स हाउ मेनी बॉयज पार्टिसिपेटेड। देखिए 100 चिल्ड्रन, अगेन यहाँ पे टोटल दे दिया गया है, टोटली कितने चिल्ड्रन थे 100 चिल्ड्रन थे, उसमें से 60 थे हमारे
गर्ल्स थी तो बॉयज कितने बचे हुए बॉयज होंगे, बचे हुए बॉयज होंगे मींस बचा हुआ हाउ मेनी डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमको सब्ट्रैक्शन यूज करना पड़ेगा. 100 माइनस 60 द आंसर इज 40. दिस यू कैन डू एज योर होमवर्क. अब आपको समझ में आ गया है जब हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ता है मेनी मोर मतलब कितना ज़्यादा है किससे, तो वी विल यूज द सब्ट्रैक्शन, वी विल डू द सब्ट्रैक्शन. और जब उसके अलावा अगर टोटली ऑल टुगेदर ऐसा कुछ आपको फाइंड आउट करना है, वी विल यूज एडिशन. ओके, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन मेक वर्ड प्रॉब्लम ऑफ योर ओन एंड सॉल्व देम. देखिए सेम वैसे स्टेप आ गया, हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन दी है, हमको वर्ड्स प्रॉब्लम रेडी करनी है. ओके, टोनी हैज 75 बुक्स, सोनू हैज 40 बुक्स एंड नंदू हैज 80 बुक्स. टोनी हैज 75 बुक्स, सोनू हैज 40 बुक्स एंड नंदू हैज 80 बुक्स. ये तीनों के पास कुछ बुक्स है तो हमको वर्ड प्रॉब्लम रेडी करना है. हाउ मेनी बुक्स डू टोनी एंड सोनू हैव टुगेदर. देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम रेडी किया, चार क्वेश्चन दिया, इसी इंफॉर्मेशन से जैसे हम लोग ने सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए रेडी किया था उसी तरीके से यहाँ पे दोनों ही के लिए रेडी कर सकते हैं आप लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कंबाइन चल रहा है. हाउ मेनी बुक्स डू टोनी एंड सोनू हैव टुगेदर. इन दोनों के पास टोटली कितने बुक्स है, किसके पास, टोनी एंड सोनू के पास टुगेदर कितने बुक्स है, तो 71115 इज द टोटल टुगेदर. ओके, हाउ मेनी मोर बुक्स डज टोनी हैव देन सोनू. टोनी से सोनू के पास, सोनू से कितना बुक ज़्यादा है, हाउ मेनी मोर बुक्स जस्ट टोनी है. टोनी के पास कितना ज़्यादा है सोनू से, कितनी बुक ज़्यादा है, तो टोनी कितना ज़्यादा है तो सब्ट्रैक्शन. देखिए सब्ट्रैक्शन है या एडिशन दैट यू हैव टू फाइंड आउट वेरी क्लियरली कितना ज़्यादा है, हाउ मेनी मोर, हाउ मेनी टुगेदर, ये सब वर्ड्स को आप लोग ध्यान रखिए. हाउ मेनी मोर आया तो वी विल डू द सब्ट्रैक्शन, क्योंकि डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना चिल्ड्रन. तो टोनी के पास है 75, सोनू के पास है 40, तो यहाँ पे 75 माइनस हो जाएगा. ओके चिल्ड्रन, 40 तो आंसर इज 35. आप लोग नोटबुक में कर सकते हो, ऐसे भी ओरली कर सकते हो. सिंपल सम, हाउ मेनी मोर बुक्स डज नंदू हैव देन टोनी. नंदू के पास टोनी से कितना ज़्यादा है, नंदू के पास कितना है, 80. अगेन कितना ज़्यादा है पूछ रहा है, तो हाउ मेनी मोर बुक्स डज नंदू हैव देन टोनी, तो 80 माइनस टोनी के पास कितना है, 75. कितना बुक ज़्यादा है, जस्ट 5 बुक ज़्यादा है. हाउ मेनी बुक्स शुड सोनू बाय सो दैट टोनी एंड सोनू कैन हैव एन इक्वल नंबर ऑफ बुक्स. हाउ मेनी मोर बुक्स, यानी सोनू और टोनी, हाउ मेनी बुक्स शुड सोनू बाय सो दैट टोनी एंड सोनू हैज, तो सोनू और टोनी दोनों को इक्वल नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करने के लिए कितना ज़्यादा और सोनू को परचेस करना पड़ेगा. अगेन इसके लिए हमको डिफरेंस निकालना पड़ेगा. 75 माइनस 40 द आंसर इज 35. तो कितनी मोर बुक्स परचेस करनी पड़ेगी, 35 मोर बुक्स अगर सोनू परचेस करेंगे तो सेम हो जाएगा दोनों के बुक, सोनू शुड परचेस. ओके चिल्ड्रेन, आई होप यू गॉट इट. कैसे हम लोग क्वेश्चन रेडी करेंगे, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अगेन यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम दिए गए हैं आपके बुक में. नाउ चिल्ड्रन सी, देखिए यहाँ पे आपको मेक प्रॉब्लम्स ऑफ योर ओन एंड सॉल्व देम. यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपको सम्स रेडी करने का है. 150 रेड मार्बल्स, 220 ब्लू मार्बल्स एंड 75 ग्रीन मार्बल्स आर देयर. तो ये तीनों मार्बल्स दी गई है इन्फॉर्मेशन में और आप लोग को इसी से अपने क्वेश्चन इस तरीके से रेडी करके सॉल्व करना है. तो लेट अस सॉल्व, टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल. देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है हमको वर्ड प्रॉब्लम रेडी करना है. सी, 150 रेड मार्बल्स, 220 ब्लू मार्बल्स एंड 75 ग्रीन मार्बल्स. तो हाउ मेनी मार्बल्स ऑल टुगेदर, यानी टोटली कितने मार्बल्स हैं. तो हम लोग इस तरीके से लिख के टुगेदर आया वर्ड्स, तो वी विल डू द एडिशन. कितने मार्बल्स टुगेदर है, वी हैव टू डू द एडिशन. दैट इज 5 प्लस 2 7 14 कैरी 1 4 445 ऑल टुगेदर कितने हैं. टोटली हमारे पास 445 मार्बल्स है. ओके चिल्ड्रेन, हाउ मेनी मोर ब्लू मार्बल्स आर देयर देन ग्रीन. ब्लू से ग्रीन कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो वी विल डू द डिफरेंस ओवर हियर 75. तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा चिल्ड्रेन, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. सो वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन, 220 माइनस 75. ओके, तो वी विल डू द सब्ट्रैक्शन.
यहाँ पे टू कम है तो यहाँ पे जीरो लिख के वी विल राइट वन और वन, ये जीरो हमारा कम है तो टेन माइनस फाइव द आंसर इज फाइव, ये वन भी कम है यहाँ पे तो इलेवन माइनस सेवन द आंसर इज फोर, यहाँ पे वन बचा वी विल राइट 145 तो 145 मोर 145 मोर ब्लू आर देन ओके देन ग्रीन, तो कितना कम है उतना हम लोग इन दोनों को इक्वल करने के लिए जितना कम है उतना हम लोग परचेस करके लाएंगे, तो फर्स्ट विल टेक द डिफरेंस, तो देखिए जीरो फाइव से कम है तो वी विल बोरो ओके, एक बोरो कर लिया तो यहाँ पे टेन हो गया, टेन माइनस फाइव तो आंसर इज फाइव, यहाँ पे फोर बचा, फोर में से सेवन जा सकता है नो, फोर में से सेवन नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता है बिकॉज फोर इज लेस देन सेवन, तो हम लोग वन को कैंसिल करके यहाँ पे फोर के आगे ले लेंगे, यहाँ जीरो बचेगा ओके, तो 14 माइनस सेवन आंसर इज 75, तो 75 ग्रीन मार्बल्स, कितनी 75 ग्रीन मार्बल्स शुड बी परचेज टू मेक इक्वल विद रेड मार्बल्स ओके चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोग उसे कॉपी कर लीजिए। वन मोर सम वी विल डू, वी विल प्रिपेयर क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सी यहाँ पे स्कोर बोर्ड दिया गया है अशोक, द स्कोर बोर्ड इज अशोक 110, सलीम 92, डेविड 48, ये देखिए आप पिक्चर में मैच चल रही है, क्रिकेट मैच चल रही है, अशोक ने कितना स्कोर किया 110 रन ओके 110 रन दैट मीन्स ही हैड क्रॉस द सेंचुरी ओके, नाउ सलीम हैड स्कोर 92 रन, डेविड 48 ओके, ये तीनों के रन स्कोर है, तो इसके लिए हम लोग को क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, देन वी हैव टू सॉल्व, फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर द क्वेश्चन, इन दोनों से क्वेश्चन प्रिपेयर करने कैसे वाले, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ वी हैव टू मेक, हाँ दोनों हमको बनाना है, तो सी हियर वी हैव मेड इट, अशोक 110 रन, सलीम 92, डेविड 48, व्हाट इज द टोटल स्कोर बोर्ड ऑफ ऑल थ्री प्लेयर्स, यानी इन तीनों का टोटल स्कोर बोर्ड कितना हो गया, टोटली इन तीनों ने कितना रन स्कोर किया है, ये हम लोग ने क्वेश्चन बनाया है, टोटली मीन्स ये तीनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जब टोटली आता है तो एडिशन होता है ओके, 110 से यूनिट बीच में स्पेस छोड़ दिया, 110 किसका रन है अशोक का, 92 सलीम, 48 डेविड, तो ये तीनों का रन को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 2 प्लस 0 प्लस 8 द आंसर इज 10, ज़्यादा हो रहा है ना तो एक डिजिट ऊपर जाएगा, डबल डिजिट आया हमको तो यूनिट नीचे आएगा, वन ऊपर जाएगा, कैरी हो जाएगा ओके, वन प्लस वन टू, टू प्लस नाइन इलेवन, इलेवन प्लस फोर फिफ्टीन, कैरी वन, और ये टोटल कितना हो गया 250, टोटली सब लोग ने मिला के कितने रन स्कोर करे हैं, टोटली 250 रन आर स्कोर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आंसर फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये ओके, सो हम लोग ने पहले क्वेश्चन का आंसर कर दिया, नाउ सी द सेकेंड वन, हाउ मच मोर रन डिड अशोक स्कोर देन सलीम, तो अशोक ने कितना स्कोर किया, किससे ज़्यादा स्कोर किया, सलीम से कितना ज़्यादा रन स्कोर किया, तो वी हैव टू डू द डिफरेंस, डिफरेंस वी हैव टू टेक, पूछा हाउ मेनी मोर, जब हाउ मेनी मोर आता है क्वेश्चन में देन वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन, हाउ मेनी मोर रन देन सलीम स्कोर देन अशोक स्कोर देन सलीम, अशोक ने सलीम से कितना रन ज़्यादा स्कोर किया, तो अशोक का रन ज़्यादा है तो वी विल राइट इट अप एंड सलीम का स्कोर वी विल राइट इट डाउन, नाउ वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन, सी वन जीरो टू से कम है तो वी विल कैरी इट, वन हम लोग इससे ले लेंगे टेन से, और यहाँ पे क्या बचेगा जीरो ओके चिल्ड्रन, और टेन में से टू गया तो वी विल राइट एट ओवर हियर, वन कैंसिल होके यहाँ पे टेन हो जाएगा, टेन में से नाइन गया तो वन, तो कितना रन ज़्यादा स्कोर किया अशोक ने सलीम से, ओनली 18 रन्स, तो अशोक स्कोर 18 रन्स मोर देन सलीम ओके, आई होप यू गॉट दिस, नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच मोर रन शुड डेविड गेट टू कंप्लीट हिज सेंचुरी, हाउ मच मोर रन शुड डेविड गेट टू कंप्लीट हिज सेंचुरी, यानी सेंचुरी करने के लिए डेविड को और कितना रन चाहिए, देखिए सली डेविड का रन कितना है 48, उसकी हाफ सेंचुरी भी नहीं हुई है ओके, हाफ सेंचुरी मीन्स 50, तो सेंचुरी करने के लिए डेविड को कितना रन चाहिए, सेंचुरी मीन्स 100 करने के लिए डेविड को कितने रन चाहिए, उसने कितना स्कोर किया है 48 स्कोर किया है, सी सेंचुरी करने के लिए कितने रन चाहिए 48 स्कोर किया है, तो वी विल फाइंड द डिफरेंस, वी विल डू द सब्ट्रैक्शन, तो 100 में से 48 निकालेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गॉट हाउ मेनी रन्स द डेविड शुड स्कोर टू गेट अ सेंचुरी, तो देखिए 08 से कम है, ये भी 0 है
हम लोग इससे भी नहीं ले सकते, वी विल टेक फ्रॉम वन. ओके वन कट होके यहाँ पे हम 10 इसको दे देंगे. ओके ताकि 10 को कट करके देन अगेन वी विल गिव वन हियर और यहाँ 9 हो जाएगा. ओके वन हमने इससे लेके 100 से लिया, 10s को दिया, 10s से कट करके 1 हमने यूनिट को लिया बिकॉज यूनिट में भी छोटा है और 10s में भी नंबर छोटा है. जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर से स्मॉल है. ओके स्मॉलर नंबर के लिए हम लोग को बोरो करना पड़ता है. तो 10 में से 8 गया, वी राइट 2 ओवर हियर. 9 में से 4 गया, देन 9 माइनस 4 व्हाट इज द आंसर, 5. तो 52. तो डेविड शुड स्कोर 52 मोर रन. और उसको कितने रन बनाने हैं, 52 मोर रन्स टू मेक अ सेंचुरी. ओके तो कितने रन बनाने, 24 मोर रन टू मेक अ सेंचुरी. ओके सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द इंफॉर्मेशन एंड देन वी हैव टू मेक द क्वेश्चंस. तो इस क्वेश्चन से हम लोग रेडी करते हैं. इस क्वेश्चन से हम लोग रेडी करते हैं अपने सोल्यूशन. तो हम लोग ने सोल्यूशन भी रेडी कर लिया, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए. और ये आई होप ये आप लोग को चैप्टर पूरा समझ में आ गया है. नाउ दिस इज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन था जो दोनों कंबाइन था. फर्स्ट हमने ओरली सॉल्व किया, देन हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया और यहाँ पर हम लोग ने वर्ड प्रॉब्लम को बना के खुद से सॉल्व किया. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वेदर इट इज़ एन एडिशन और अ सब्ट्रैक्शन. तो व्हाट आर द की पॉइंट्स आप लोग को रिमेंबर क्या रखना चाहिए. अगर क्वेश्चन में पूछा है टोटली टुगेदर सम, ओके ये सब केस में हम लोग एडिशन करेंगे. ओके हाउ मच मोर लेस, हाउ मच लेस इज देयर देन दिस देन दैट, ऐसा पूछते हैं क्वेश्चन में. अगर पूछा जाएगा देन एक्स और वाई, देन एक्स और ए बी जो भी पर्सन रहेगा, तो हाउ मच मोर हाउ मच लेस और द डिफरेंस, ये जो डिफरेंस होता है ना फर्क, तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ का जब डिफरेंस निकालना होता है तो वी यूज द सब्ट्रैक्शन. वॉट वी विल यूज इन दिस केस, सब्ट्रैक्शन. ओके एडिशन और सब्ट्रैक्शन आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कम्प्लीट चैप्टर. ओके दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आप लोग एग्जैक्टली तो हो गए. तो प्लीज़ आइडेंटिफाई द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम केयरफुली. इफ यू लाइक आर वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए.